फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को आज एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद एक्शन में आए सुरक्षा कर्मियों ने घटनास्थल से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे फ्रांस में इस घटना को लेकर लोगों ने गुस्से का इजहार किया है। फ्रांसीसी पीएम ने इसे लोकतंत्र पर किया गया हमला बताया है। दक्षिणी फ्रांस में दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भीड़ में मौजूद एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों से घिरे मैक्रों लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान एक शख्स ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के बाद उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। घटना के तुरंत बाद एक्शन में आए सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और घसीटते हुए दूर लेकर चले गए। फ्रांसीसी पीएम ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया। फ्रांसीसी मीडिया ने पुष्टि की है कि इस अपराध में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जियां कास्टेक्स ने इस घटना को लोकतंत्र का अपमान बताया है। यह घटना उस समय हुई जब मैक्रों दक्षिण पूर्वी फ्रांस के ड्रोंग क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने कोविड-19 के कहर के बाद लोगों के जीवन को जानने के लिए रेस्टोरेंट्स का दौरा किया और छात्रों से मुलाकात भी की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इमैनुएल मैक्रों सफेद रंग की शर्ट पहने अपने शुभचिंतकों से मिलने के लिए आगे बढ़ते दिखते हैं, जिसके बाद लोहे के बैरिकेड्स के उस पार खड़े हरे रंग का टी शर्ट, चश्मा और फेस मास्क पहने व्यक्ति उनसे हाथ मिलाने लगता है। जैसे ही राष्ट्रपति मैक्रों अपना सिर घुमाते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति उन्हें थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी उसे दबोच लेते हैं। उस आदमी ने थप्पड़ मारने के बाद डाउन विद मैक्रोनिया, ए बासला मैक्रोनी चिल्लाते हुए सुना गया, जिसके बाद मैक्रों के दो सुरक्षा कर्मियों ने हरे रंग की टी शर्ट पहने व्यक्ति को घेर लिया, जबकि दूसरे ने उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन मैक्रों कुछ और सेकंड के लिए भीड़ के पास ही रहे। वे बैरियर के दूसरी तरफ किसी से बात करते हुए दिखाई दिए। दर्शकों, अगर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल में देना है तो आप आखिर में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना, यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। दो गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना, यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। दो गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।